नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। वर्ल्ड कप का कुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच खेला जाना है। ऐसे में हर कोई इस मैच को लेकर बेहद एक्साइटेड है और इंडिया टीम की जीत की दुआएं भी मांग रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस मैच को देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंच रही हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर और कपिल देव अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। हर किसी की निगाहें फिलहाल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर टिकी हुई हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ की हस्तियां भी इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं। जहां अमिताभ बच्चन मैच को देखे या ना देखे इस पर असमंजस में पड़े हुए हैं, वहीं इसी बीच साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी है जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर रजनीकांत का कहना है कि उन्हें 100% यकीन है कि ये वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। आपको बता दें कि रजनीकांत 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए पहुंचे थे। इस मैच में भारत की शानदार जीत से एक्टर काफी खुश हुए थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मैच के दौरान जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पिच पर जम गए थे तो वो नर्वस हो गए थे। रजनीकांत ने कहा कि जब विकेट गिरने लगा तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। दरअसल हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में रजनीकांत ने कहा, पहले तो मुझे घबराहट महसूस हुई, बाद में जब विकेट गिरते रहे तो सब ठीक लगने लगा। उस 1.5 घंटे के दौरान मैं काफी नर्वस हो गया, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि वर्ल्ड कप हमारा है। आपको बता दें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस मैच को देखने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई है। भारत की जीत के लिए पूजा और हवन तो किए ही जा रही हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों ने भारत की जीत के लिए निर्जला व्रत भी रखा है। कहना गलत नहीं होगा कि पूरा देश इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वैसे जिस तरह से रजनीकांत ने भारत के जीतने की गारंटी दी है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत की ही होगी। वैसे रजनीकांत की इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।